सोनालिका जी के साथ मैं इससे पहले एक मूवी कर रही थी, शिकारी, मनोज कुमार जी के, प्रोड्यूसर डायरेक्टर वही है, तो शिकारी में उनसे पहले मिला, और होता है ना एक दिल का रिश्ता, मतलब एक बहन बहन जैसे, तो एकदम बहन जैसे बन गई है। उसको कुछ प्रॉब्लम होता है मुझसे शेयर करती है, मैं जैसे प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, हम दोनों दोनों को किस खुद के कंपटीटर नहीं समझते, एकदम बहन जैसे रिश्ता हो गया है। फोटो शिकारी वायरल हो से रहा है, वो रिंग पहना है तो लोग बोल रहे हैं एंगेजमेंट हो रहा है क्या, कौन बॉयफ्रेंड कौन गर्लफ्रेंड, तो वो भी गुस्सा हो जाती है, मैं भी बोलती हूँ अरे ऐसा नहीं, बहन बहन को अंगूठी नहीं पहनती। हम लोग मजाक करते रहते हैं, और इंडिया मतलब मीडिया तो है ही, तो वायरल कर देंगे तो अच्छा है ना, हम लोग और पॉपुलर बन रहे हैं, अच्छी बात है। बहुत स्वीट सी लड़की है वो भी, मतलब भगवान करके बहुत मूवी करे। और निधि जी से, निधि जी के साथ ये तो मेरा पहला मूवी है, लेकिन उनके साथ मैं मुंबई में एक शो हो रहा था एक चैनल का, 2 साल 1-1.5 साल पहले, तो तब मैं मिली थी। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे एक्टर है, डांसर है, तो अच्छा लग रहा है सबके साथ। पूनम जी भी बहुत अच्छे है, पहली बार मिली हूँ, वो भी बहुत कोऑपरेट करती है, अच्छे डांसर है, अच्छे एक्ट्रेस है। प्रीति भी बहुत अच्छी है, उनके साथ भी पहली बार मिली हूँ। जोया अहना, इन लोगों के साथ मैं पहली बार मिली हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है, महान, बहुत अच्छा लग रहा है, सबको शूटिंग करके अच्छा लग रहा है। कोई ये इससे आगे जाना चाहते हैं, उससे पीछे जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग सीन अच्छे से मिलके कर रहे हैं, खुद खुद का कैरेक्टर जो है बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो टेक्नीशियंस, आई थिंक टेक्नीशियंस लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि काम करके अच्छा लगता है, क्योंकि होता है बहुत सारे सेट में सुना हो, जहाँ 5-6 हीरोइन होता है तो कंपटीशन चलता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, मुझे तो नज़र में नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा से शूटिंग चल रहा है, हर सीन अच्छे से अच्छे हो रहा है। मुकेश गुप्ता जी बहुत अच्छे इंसान है। पहली बार जब मुकेश जी मुझे ऑफर दे ये मूवी के, तो मैंने सुना था इसमें 7-6 हीरोइन है, 7 हीरोइन है, तो मैंने बोला था मैं मूवी नहीं करूँगी, क्योंकि इतने सारे हीरोइंस के साथ मैं एक साथ नहीं करूँगी, एक होता है ना खुद का एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, तो यही इस बात की ही डर था जो आपने सवाल मुझे पूछा, इसी बात के, 7 हीरोइन होंगे तो कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन, और मैं कंपटीशन के बीच में नहीं रहना चाहती हूँ, मेरा कंपटीशन हमेशा खुद के साथ होता है, ऐसा नहीं कि 7 लोगों के साथ, क्योंकि वो लोग कहीं मेरा को एक्टर है, मैं किसी के साथ नहीं करना चाहती, और कोई करे तो मुझे बुरा लगेगा, मैं खुद नहीं कर सकती तो बुरा लगेगा मुझे, ये सोच के मैंने बोला था मैं नहीं करूँगी इतना हीरोइन। अभी तो फिलहाल करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शूटिंग कर रही हूँ, और बहुत अच्छे इंसान है मुकेश जी, मतलब ऐसे प्रोड्यूसर है कि सेट पे कुछ मतलब फैमिली को लेके आए हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। चंदन उपाध्याय जी भी बहुत अच्छे हैं, काम के मामले में बहुत ही मतलब सीरियस हैं, जब हंसी मजाक ऑफ स्क्रीन कर लेते हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन बहुत ही सीरियसली काम करते हैं। उनके साथ भी पहला ये मेरा मूवी है, बहुत सीरियस डायरेक्टर है, और बहुत अच्छे से सीन टेक करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और डीओपी जी जो है देवेंद्र तिवारी जी, उनके साथ उनका जोड़ी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि डायरेक्टर एंड डीओपी का जोड़ी हमेशा अच्छा होना चाहिए, कि डायरेक्टर कुछ बोलेंगे तो डीओपी जी वो करेंगे, तो दोनों में बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी सीनियर भी है देवेंद्र जी, उनके साथ भी मैंने पहली बार, क्योंकि एज अ डायरेक्टर भी उनके मतलब उनका मूवी मतलब मैं पहली बार कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है सभी के साथ काम करके। अगले दिन भी मैं करूँगी, डेफिनेटली करना चाहूँगी अच्छे और मूवी कल्लू जी के के साथ साथ। स्किल शेयर करके भी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे हैं, बहुत कूल है, हमेशा स्माइल करते रहते हैं, सबके साथ अच्छे से बात करते हैं, मेरे साथ भी बहुत अच्छे से बात करते हैं। हीरो है एक, हीरो एक एक्टर, सबसे बड़ी बात है एक एक्टर, एक एक्टर में वो ही होना चाहिए जो अच्छे एक्टिंग करे, जो अच्छे डांसर है, तो सब चीज़ उनमें है। और मेरे साथ मैं सीन करके भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मिल रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है, तो बस और क्या। लॉकडाउन के बाद मैंने रूप मेरे प्यार का किया, हमदर्द किया, तू ही रब तू ही दुआ किया, प्रीत के रंग किया, शिकारी किया, मिलन किया, ये कल्लू की दुल्हनिया कर रही हूँ। मैंने जिला चंपारण से करियर की शुरू किया, उसके बाद घूंघट में घोटाला, उसके बाद सौगंध, सौगंध के बाद ये आली बजरंगबली में गेस्ट अपियरेंस किया था, उसके बाद वांटेड, उसके बाद जीना तेरे गली में पार्ट 2, उसके बाद चक्रव्यूह, उसके बाद फर्ज, उसके बाद ये कैसा इश्क है, उसके बाद साउथ की मूवी राउडी शंकर और राउडी रॉकी, ये दोनों डुअल वर्षन, बहुत सारा हो गया है। हाँ जी, और आगे भी बहुत सारी मूवी साइन कर चुकी हूँ अभी, बावरा इश्क, बादशाह के गुलाम पार्ट 1 पार्ट 2, रामलीला, फेब्रुअरी में और एक मूवी है जो कॉमेडी मूवी है, न्यू हीरो है,
मतलब काफ़ी पहचान है, उनका सिंगर है, एल्बम सॉन्ग्स करते हैं, तो वो भी एक मूवी कर रही हूँ, मतलब अभी 5-6 मूवी साइन कर लिया, चिंटू की दुल्हनिया वो है, सभी फिल्म में दुल्हन बन चुकी थी, वांटेड में बनी थी, घूंघट में घोटाला में तो घोटाला घूंघट में रही घूंघट में हो रहा है वो उसमें बनी थी, फिर मिलन में बनी थी, फिर चक्र, फिर बहुत सारे मूवी में बनी थी। तो कितनी बार दुल्हन बन चुकी, मतलब शादी कितनी बार हो चुकी है? दुल्हन मेरा 29-30, मतलब मेरा सीरियल्स फिल्म्स मिला के 29-30 टाइम्स मैंने, मतलब कल दुल्हन लेकर के 30 बार आपकी शादी हो चुकी है। उससे ज्यादा होगा तो कम नहीं होगा, एकदम बहुत बार शादी किया, मतलब मैं खुद ही बोलती हूँ ऐसे करके कि ये रस्म ये होगा वो होगा, मतलब मेरा मम्मी हंस के बोलती है तेरे जब ओरिजिनल शादी होगा तो तब तू ही बोलेगा तेरे ससुर माँ को कि माँ ऐसा मत कीजिए, आरती ऐसे उतारती ऐसे ना मत कीजिए, ऐसे कीजिए, बहुत हंसी मजाक चलता है सच में, मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गई हूँ। अब मैं शादी के सीन करने जा रही हूँ तो कई बोलते हैं कि दुल्हन यहाँ पे बैठेगी, मैंने बोला नहीं नहीं इस साइड बैठेगी, मतलब ऐसे बोलती हूँ सिंदूरदान के बाद इस साइड बैठेगी, मतलब सब लोग सोचते हैं ये क्या क्या लड़की। और जब रियल की शादी होगी तो आपको शूटिंग ही लगेगा लोगे, हाँ वही तो शूटिंग ही लगेगा सच में, मैं बोलूंगी अरे सुबह से नहीं खा के रख वो, जल्दी से शादी, जल्दी से सिंदूर पहनाई, जल्दी से मंगलसूत्र डालिए, माँ ये सब बोलते हैं हीरोइन लोगों के साथ शादी ऐसे ही होते हैं, और मेरा तो सोचे 30 बार शादी हो चुका है। फिर मैं दर्शकों को यही बोलूँगी कि आप लोग मेरे इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री पे आने के बाद से जितने प्यार दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, प्लीज़ ऐसे ही हमेशा बना के रखिए, और मैं भी आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ से हमेशा कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे स्टोरी मैं आप लोगों को गिफ्ट करूँ। हर मूवी में मेरा अलग अलग कैरेक्टर आप लोगों को देखने को मिले, और आप लोगों की तरफ से मुझे गिफ्ट चाहिए कि मेरा जितना भी मूवी रिलीज़ हो या फिर जो जितने भी भोजपुरी मूवी रिलीज़ हो, आप प्लीज़ नज़दीक सिनेमाघर में जाके देखिए, और मेरे हर मूवी आप लोग ब्लॉकबस्टर हिट करवाइए। थैंक यू सो मच, नमस्ते, प्रणाम।